हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कम बारिश के मद्देनजर किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए 2000 रुपए प्रति माह एकड़ बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सैनी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य में इस साल मई जून और जुलाई में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई। कम बारिश के कारण किसानों को फसलों के लिए अधिक लागत उठानी पड़ रही है। फलों फूलों और सब्जियों सहित सभी खरीफ फसलों पर बोनस दिया जाएगा। किसानों को बोनस के रूप में 2000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। अगर किसी किसान के पास एक एकड़ से कम जमीन है तो भी उसे 2000 रुपए दिए जाएंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को ये अपील करना चाहूंगा कि वो 15 अगस्त तक वो अपने फसल का जो भी उन्होंने फसल जहां पर बोई है या खड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर मेरा किसान एक एकड़ या उससे कम की जमीन उसके पास है उसको भी हम 2000 रुपए देने का काम बोनस के रूप में करेंगे। ये हमारी कैबिनेट ने आज निर्णय किया है। मैं सभी किसान भाइयों से आज अपील करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर वो अपनी अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा लें ताकि उनके खाते के अंदर हम ये राशि भेज सकें जो 2000 रुपए का बोनस देने का निर्णय हमने किया है। और इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा और ये बोनस प्रति एकड़ 2000 रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। कुछ दिन पहले राज्य मंत्रिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 10 और फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नहरी पानी के सिंचाई शुल्क की बकाया राशि माफ करने की भी घोषणा की। किसानों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला है। ये पहली ऐसी सरकार है भाई जिस मुख्यमंत्री ने खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया और नई फसल का मुआवजा तो बिल्कुल मतलब साल साल दो दो साल लोगों को मिलता और दो दो रुपए के चेक भी पहले हमने देखे हैं कांग्रेस की सरकार में दो दो रुपए के चेक भी दिए हैं। ये तो प्रधानमंत्री भी किसानों के हित में लगा हुआ है और ये हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है ये भी किसानों के हित में लगातार दिन रात काम कर रहा है। चाहे किसानों को ट्यूबवेल देने की बात हो या किसानों को मुआवजा देने की बात हो या और भी किसानों के हित में जो फैसले हैं वो फटाफट लिए जा रहे हैं जो किसानों के हित में लाभकारी हैं। ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है आने वाले समय भी जो किसानों का ख्याल रखे। इससे किसान बहुत खुश हैं। मौसम की मार से जैसे अब की बार बरसात बहुत कम है इसका बहुत फायदा होगा तो 2000 रुपये किसानों को मिलने का। पिछले दो तीन दिन पहले भी एक और घोषणा करी थी किसानों के प्रति 24 फसलों पे MSP दे दिया था। किसानों के हित में ये तो बहुत बड़ा फैसला है। MSP भी फसल हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो सारी की सारी फसलें MSP पे खरीदने का ऐलान कर दिया है। तो इन किसानों को चाहिए भी और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मांग करें भी हमारी भी फसलें MSP पे खरीदी जाएँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो ये घोषणा की है 2000 रुपये प्रति एकड़ किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने किसानों को। जो MSP पे मुद्दे पिछले 4-5 साल या 6 साल से जो भी संघर्ष करते आ रहे थे किसान और सैनी जी ने ये तो बिना मांगे हुए बैठते सार ही हर मतलब हर फसल पे MSP पे बिकने का ऐलान कर दिया है इन्होंने। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसान के लिए। ये जो 2000 रुपये की घोषणा की किसानों को देने की ये बहुत बढ़िया घोषणा की है। मुआवजा देंगे किसानों को 2000 रुपये। मुख्यमंत्री जी ने MSP लागू कर दिया ये पहले कलम पे बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया जो 24 की 24 फसलों पे MSP लागू किया है।